हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है भर्तियों की, मैं आपको लेकर आया हूं। ये वैकेंसियां बहुत ही बड़े लेवल पर निकाली गई हैं, वो भी गवर्नमेंट द्वारा। हाँ दोस्तों, इन वैकेंसी के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान जॉब होने वाली है आपके लिए, और ये ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब होने वाली जिसको आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसान जॉब है। चलिए मैं आपको जॉब के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये जॉब आपकी होने वाली जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें आपको जो पर्चा बनता है उसमें आपको सिर्फ स्टैंप लगाना है। हाँ दोस्तों, स्टैंप लगाना है और कुछ नहीं करना। जो डॉक्टर का पर्चा बनता है आपको सिर्फ उसमें स्टैंप लगाना है, जिससे आगे पेशेंट डॉक्टर को दिखा सके, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको स्टैंप लगाने का काम करना होगा। बहुत ही आसान जॉब है दोस्तों, और इसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी हो सकती है। बहुत ही बड़े लेवल पर ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, इसमें आपके ज़्यादा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है, या आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी गई है, और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूँ। दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे नाम की फेक आईडी बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में अपने नंबर पर कॉल करने को बोलेंगे, या आपसे हमारे नाम से आपको जॉब के लिए पैसा मांगेंगे। तो आप किसी को पैसा ना दें, और ना ही आप किसी के नंबर पर कॉल करें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी किसी से भी पैसा नहीं लिया जाता है, तो आप किसी को पैसा ना दें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, और आपकी कितनी एजुकेशन वगैरह सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई में सिर्फ आपकी 10वीं पास मांगा गया है। हाँ दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो बहुत ही इजी तरीका होगा आपको अप्लाई करने का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने 10वीं पास कर लिया तो। और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इसको अप्लाई करने में। उम्र आपकी बता दूँ कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र इसमें होनी चाहिए कम से कम 18 साल। हाँ दोस्तों, 18 साल का होना इसमें आपका ज़रूरी है। अगर आप 18 साल के होंगे तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे अगर आप 18 साल के होंगे तो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आगे आपके डॉक्यूमेंट जिसमें आपको अप्लाई करने में लगेंगे, अपने आधार कार्ड के थ्रू दोस्तों आपको बता दूँ आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको जैसे कि आपका आधार कार्ड, अपने 10वीं की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, वो आप लगा सकते हैं इसके फॉर्म में। और इसके फॉर्म के लिंक के बारे में बता दूँ कहाँ पर जाकर आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसका फॉर्म का लिंक आपको गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएगा, हेल्प एंड रोजगार। हाँ, तो हेल्प एंड रोजगार आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको नंबर वन पर ऑफिशियल वेबसाइट है जो मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है दोस्तों हेल्प एंड रोजगार, मैं आपको बता दूँ, जिसमें आप आसानी से आकर फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फॉर्म का लिंक है, वो आपको मिल जाएगा। नहीं, और मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ दोस्तों, आप इसी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, आपको सिर्फ हेल्प एंड रोजगार सर्च करना है गूगल पर, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी खासी आपको सैलरी इसमें मिल सकती है, बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपकी वीडियो चले गई तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी अप्लाई कर पाएँ जॉब के लिए, और वो भी आपको आराम से जॉब मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।